हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल उदय एक्सरे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्केपुला फ्रैक्चर शोल्डर जॉइंट में। ठीक है दोस्तों, स्केपुला का फ्रैक्चर आज हम एक्सरे में देखेंगे कैसे दिखाई देता है। ठीक है, आ जाए स्क्रीन पर। ये जो देख रहे हैं ये है शोल्डर जॉइंट का APU है राइट शोल्डर का। ठीक है, राइट साइड इंडिकेट करता है राइट शोल्डर को। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम थोड़ा सा इसका एनाटॉमी देख लेते हैं शोल्डर जॉइंट की, कौन कौन सी बोन्स अपीयर होती है और या आर्टिकुलेट होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें फाइंडिंग या फ्रैक्चर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, शोल्डर जॉइंट में दोस्तों तीन मुख्य बोन होती है, क्लेविकल, स्केपुला और ह्यूमरस। ठीक है, ये तीन बोन मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बोन है ये है क्लेविकल, जिसे ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहा जाता है ना। और ये जो ट्रायंगल बोन है ये यहाँ से, ये है स्केपुला बोन, जो बैक साइड में होती है या पोस्टियर साइड में होती है। ठीक है, और क्लेविकल एंटीरियर साइड में होती है। ठीक है, और ये जो बोन है ये ह्यूमरस है। ठीक है, आर्म की बोन है ना, ये इसका हेड ऑफ ह्यूमरस कहलाता है। ये गोलनुमा आकृति जो है हेड ऑफ ह्यूमरस कहलाता है। ठीक, और ये क्लेविकल है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं स्केपुला, देख लेते हैं पहले स्केपुला की एनाटॉमी। ठीक है, स्केपुला है ना, ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। ठीक है, और अभी नीचे आ जाइए तो ये वाला जो एंगल बनता है यहाँ पे ये इन्फीरियर एंगल ऑफ स्केपुला कहलाता है। ठीक है, ये मिडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला और ये बॉडी ऑफ स्केपुला बीच का हिस्सा, और ये जो है ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। ठीक है, और ये जो प्रोसेस दिख रही है ना, ये कोरोकाइट प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये प्रोसेस है जिससे क्लेविकल आर्टिकुलेट रहती है ना, ये AC जॉइंट बनाता है यहाँ पे, तो ये जो है स्केपुला की ये प्रोसेस एक्रोमियम प्रोसेस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्केपुला। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये ह्यूमरस से यहाँ पर ये जुड़ी है, इसे ग्लेनाइड केविटी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है। ठीक है, ये ग्लेनाइड केविटी है और यहाँ पे नेक ऑफ स्केपुला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पे फ्रैक्चर लाइन आपको दिख रही होगी, ये इसका सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला है। यहाँ से देखिए ये इसकी फ्रैक्चर लाइन है ना, देख पा रहे हैं, ये इसकी फ्रैक्चर लाइन है। ठीक है दोस्तों, मैं आप थोड़ा जो फ्रैक्चर पॉइंट है इसका है ना सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला में, इसे थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो इस एक्सरे में फ्रैक्चर ऑफ सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। ठीक है, इस रीजन में या इस पॉइंट में इसका फ्रैक्चर है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।